सीखेंगे रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर जो वैल्यूज हम लोग देंगे एट द रेट एक्स कोमा वाई, हम लोग एक्स की वैल्यू से पहले एट द रेट लगाएंगे। इन दिस सिस्टम आवर लास्ट पॉइंट वर्क एज ए ओरिजन, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास ओरिजिन की तरह काम करेगा। मिनटू से वी विल फाइंड आउट द पॉइंट वैल्यू फ्रॉम अवर लास्ट पॉइंट, यानी कि जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा उससे हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल्स के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के वैल्यूज निकालेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन इज ओरिजन, दिस वन इज 0.0। उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है विद द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मूवमेंट है, वाई में कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। ये एक्स की वैल्यू के आगे हम लोगों ने एट द रेट लगाना है, एट द रेट 15.0। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट का रेफरेंस लेना है और थर्ड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं रहेगी और वाई एक्सिस में मूवमेंट रहेगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 9। तो थर्ड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी एट द रेट 0.9। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट हमारा ओरिजिन बन गया। अब थर्ड पॉइंट से के रेफरेंस से हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। थर्ड पॉइंट से अगर हम लोग ओरिजिन बन गया है हमारा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.0 हो चुका है अब। और अगर हम लोग इससे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स, अब फोर्थ पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -15.0। अब हमारे पास ये ओरिजिन बन गया है। अब ओरिजिन से हम लोग नीचे आएंगे तो वाई की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो कोई मूवमेंट नहीं है, वाई में मूवमेंट है हमारे पास, तो वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -9। और यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगी फिफ्थ पॉइंट की एट द रेट 0.-9। और हम लोग यूज कर सकते हैं 0.0 बिकॉज दिस इज आवर ओरिजिन। और हम यूज कर सकते हैं सी, सी फॉर क्लोज, क्लोज हम पॉइंट पे हमारे पास क्लोज हो जाएगा। ये थे हमारे पास कि रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इन्हीं पॉइंट की हेल्प से हम लोग रेक्टेंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हम रिबन से लाइन कमांड ले सकते हैं, या फिर मेन मेन्यू बार से ड्रॉ में जाके हम लोग लाइन कमांड ले सकते हैं, या फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में एल टाइप करके हम लोग अपनी कमांड स्टार्ट कर सकते हैं। एल एंटर, नाउ स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, अवर फर्स्ट पॉइंट इज 0.0 एंड अवर सेकेंड पॉइंट इज एट द रेट 15.0। एट द रेट हम लोग शिफ्ट दबा के 2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एट द रेट आ जाएगा, देन प्रेस एंटर। नेक्स्ट इज योर शिफ्ट प्रेस 2 एट द रेट, नेक्स्ट वैल्यू इज एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की वैल्यू 9, देन प्रेस एंटर। नेक्स्ट अगेन एट द रेट, एक्स की वैल्यू रहेगी हमारे पास -15.0, एंटर। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू रहेगी 0.-9, देन प्रेस एंटर, देन प्रेस द एस्केप की टू कैंसिल द कमांड। अब इस तरीके से हम लोग रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग अपनी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास सी सेक्शन है, इसी सेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0.0 एंड सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में मूवमेंट है, वाई एक्सिस में मूवमेंट नहीं है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एट द रेट 5.0। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, तो लास्ट पॉइंट बिकम ओरिजन, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम ओवर लास्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट की वैल्यूज हम लोगों ने निकालनी है। तो अगर सेकेंड पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए ओरिजन, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, हमारे पास मूवमेंट रहेगी जस्ट वाई एक्सिस में, एंड वाई एक्सिस में रहेगी मूवमेंट 1, एंड सो डेट थर्ड पॉइंट की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी एट द रेट 0.1। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है
ये हमारे पास ओरिजिन बन चुका है। अब ओरिजिन से मुझे फोर्थ पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। वी नो कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट से अगर हम फोर्थ पॉइंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, एंड दिस वन इज -4 एंड एक्स एक्स वाई एक्स इज 0। नेक्स्ट इज फोर्थ इज अवर ओरिजन। नाउ हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, जस्ट वाई एक्सिस के अंदर मूवमेंट जा रही है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 0 और वाई की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारे पास होगा @0,3। नाउ दिस वन इज द ओरिजन। अब यहाँ से हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट से हम लोगों ने सिक्स पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दिस वन इज योर 3। एंड वाई की वैल्यू हमारे पास रहेगी 0, 6,3,0। एंड फोर्थ सिक्स पॉइंट से हम लोगों ने सेवन्थ पॉइंट पे जाना है। तो सिक्स दिस वन इज योर ओरिजिन नाउ। तो यहां से मूवमेंट वाई एक्सिस में 1 रहेगी एंड एक्स एक्सिस में 0। तो सेवन पॉइंट हमारे पास होगा @x=0 एंड y=1। अब सेवन पॉइंट से हमारे पास वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने एट्थ पॉइंट की। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो एक्स की डायरेक्शन हमारे पास माइनस में रहेगी। तो यहाँ पे माइनस टोटल 5 है, हमारे पास एक्स की वैल्यू -5 और वाई में वाई के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, देन वाई की वैल्यू 0। इसलिए पॉइंट एट्थ पॉइंट की वैल्यू होगी हमारे पास -5,0। एंड एट्थ पॉइंट दिस वन इज अवर ओरिजिन नाउ। इससे हम लोगों ने अपने फर्स्ट पॉइंट की वैल्यूज हम लोगों ने निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अब वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ हमारे पास वाई डायरेक्शन नेगेटिव में हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव वाई हो जाएगा एंड एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 0 और वाई की वैल्यू होगी हमारे पास -5। नाइन्थ पॉइंट @ एक्स की वैल्यू 0 और वाई की -5। और हम लोग यूज कर सकते हैं 0,0 बिकॉज दिस विल बी ओरिजिन और ए सी फॉर क्लोज। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए अपने पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं।